my friend Roshni, we are both ambitious. She wanted to be an actress and I wanted to be a choreographer. In the film industry, to achieve all the things is very difficult. Today, Roshni Kapoor is a superstar and she has everything with her. But with me, I have my virginity and I left dream behind. A 2014 ka Filmfare Award for Best Actress jata hai Roshni Kapoor ko. रोशनी जी, आए दिन बॉलीवुड में नई नई लड़कियां एक्ट्रेस बनने के लिए इस ग्लैमर की दुनिया में आती है और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। क्या आप जैसी हर एम्बिशियस लड़की अपने सपनों को पूरा कर सकती है? कभी कभी ज्यादा एम्बिशियस होना भी लड़की के लिए एक श्राप बन जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एम्बिशियस गर्ल अपनी खो देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा एम्बिशियस होना भी मेरे लिए एक श्राप बन गया। मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे आई थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए, मगर एक एक्ट्रेस के रूप में अपने को स्थापित करना इतना आसान नहीं था। आज मैं सुपरस्टार हूँ, लेकिन मुझे सुपरस्टार बनने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जो मैं बताने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा सकती। इस तरह के हालात शायद हर दूसरी एक्ट्रेस के सामने आए होंगे और आते भी रहेंगे। हालांकि आज दुनिया की हर कम्फर्ट लाइफ मेरे पास है, मगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, शायद मेरा प्यार भी नहीं। फिल्मी दुनिया में लड़की को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी और मेरे सिवा तुम किसी की भी नहीं हो सकती। I beg you, please मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? ये है डलहौजी, इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। यहाँ लोग अक्सर समर वेकेशन में आते हैं, कई लोग यहाँ हनीमून के लिए भी आते हैं और कभी कभी यहाँ फिल्म्स की शूटिंग भी होती है। वो सामने है जीएन गार्डन रेस्टोरेंट। यहाँ आपको अच्छे खाने के साथ साथ फिल्मी गॉसिप भी सुनने को मिलेगी। फिल्मों के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछा जाए तो मुझे सिर्फ एक ही नाम मालूम है, अमिताभ बच्चन, और एक्ट्रेसेस में रेखा। वो सामने रेड डोर वाला घर मेरा ही है। यहाँ पर मेरे साथ मेरा दोस्त लकी भी रहता है। वो हमेशा एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां पर सिर्फ सपने ही देखे जाते हैं। लके, क्या हाल बना रखा है घर का? लके, राजा मैं ऊपर हूं, नाम से तो लकी हूं पर हूं अनलकी। राजा तू आ गया यार, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था यार। क्यों? अरे यार, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है। बोलो। अरे यार, आज मैं जूही के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तो? अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या कपड़े पहन के जाऊँ बता? दिखाओ। वन मिनट, अभी दिखाता हूँ। किसी दिन फ्लर्ट करने के चक्कर में इसकी बहुत पिटाई होने वाली है। अच्छा, इसके बारे में बता, ये टी शर्ट अच्छी है ना? क्या इरादा है, एकदम वैम्पायर लग रहे हो तुम। You are absolutely right. तो एक मिनट रुक। इस बंदर को भी ना जाने रोज कहां कहां से नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है। अच्छा चल, इसके बारे में बता। Now I'm cool यार, right? Now I'm smart यार, right? इसे देखकर लगता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मुझे लगता है जूही आ गई, तू दरवाजा खोल, तब तक मैं तैयार होके आता हूं। अब तो बस एक ही काम रह गया है, डोर खोलो और डोर बंद करो। हाय जूही। ओह हाय राजा। कम इन। वेयर इज लकी?
वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है। लकी, जूही। हाय। ओह हाय, हाउ आर यू? नाइस टी-शर्ट ना? या, इट्स नाइस। कम ऑन, लेट्स गो यार। बाय राजा। बाय, सी यू। बाय, हैव अ फन। जूही जल्दी करो वरना तुम्हारी फेवरेट हीरोइन रोशनी कपूर की फिल्म निकल जाएगी। कम ऑन। इसे तो गर्लफ्रेंड बाद में मारेगी, पहले पब्लिक की पिटाई करेगी। वाह, क्या परफॉर्मेंस की है रोशनी कपूर ने फिल्म में। लकी, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं रोशनी कपूर की कितनी बड़ी फैन हूँ। इसलिए तुम उसकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हो, है ना? वाओ, सी यू, बाय। वाओ, बहुत बड़ा घर है मीनाक्षी आपका। ये कौन है, आपके डैडी? नो, ही इज माय हस्बैंड। हां, तो मुझे भागना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, कल आएंगे। कहीं बाहर गए ना? नहीं, कॉन्डम खरीदने गए हैं। कॉन्डम लेने गए? पर क्यों? अंदर तो आओ, बताती हूँ। बताना क्या है, अब तो फाइनल करना ही है। मॉर्निंग राजा भाई। मॉर्निंग। आज मंडे है, महीने का पहला दिन। मैं अपने गिफ्ट शॉप पर जा रहा हूं जो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर है। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। जय माता दी। डेविड, डेविड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। आज डेविड काम पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अपने पाइल्स के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं। ये डेविड का पाइल्स भी पता नहीं कब ठीक होगा। एनीवेज, तुम जाओ। यस सर। इस महीने भी 5,600 रुपए का नुकसान। सर आप कुछ पीना चाहेंगे? ऐसा कर, दो ऑरेंज जूस लिया। जी सर। अरे यार सुन सुन। यस सर। ऐसा कर, एक ले आना, आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? ओके सर। न्यू कस्टमर। May I help you? No thanks. मैं ऐसे ही देख रही हूं। Okay.
नाइस कलेक्शन, 70 रुपीज। ओके थैंक यू। ये लीजिए, आज आप स्टोर की पहली कस्टमर है, सो ये आपके लिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ओह नो, सॉरी। ओह माय गॉड, अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी मैम, सॉरी मैडम। देखो ना, सब कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मैडम, अब मैं जाऊंगी कैसे? हाँ सॉरी मैम। ये क्या किया तुमने? सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम। खड़ा क्या है, कपड़ा लेकर आना साफ करने के लिए? अभी लाया सर। मैडम आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? हाँ मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मेरा घर पास में, आप प्लीज वहां जाकर चेंज कर लीजिए। नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैडम आई एम सो सॉरी, मेरा घर वो रहा बहुत पास में, प्लीज ट्रस्ट मी। कितना? मैम इट्स राइट देयर, प्लीज ट्रस्ट मी, नॉट अ प्रॉब्लम, प्लीज। ओके फाइन, और कितना चलवाओगे? बस मैम, यही रेड डोर वाला मेरा घर है। ओके फाइन, आइए। आइए। इट्स अ बैचलर हाउस यू सी। घर इतना साफ नहीं है जितना मैं नॉर्मली रखता हूँ। बाथरूम फर्स्ट फ्लोर ऊपर है। ओके। ओह या। ये लकी ने भी कितना गंदा घर कर रखा है। ए, तुम क्या देख रहे हो? ये सपना है या हकीकत? सॉरी। आर यू ओके? या आई एम फाइन। आई एम सॉरी, ये लकी भी ना कुछ पीना पसंद करेंगी? नो। कॉफी? नो। ऑरेंज जूस? नो। कुछ खाना जैसे नूडल्स? नो। क्या आप हर चीज के लिए नो बोलती हैं? नहीं, मुझे लगता है अब शायद मुझे चलना चाहिए। थैंक्स फॉर योर हेल्प। ओह यू आर वेलकम। ओके। नाइस टू मीट यू। सेम या। ओके बाय, आई हैव टू गो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। She's amazing. Roshni, good thing is she's a very simple girl in her life and she's searching for the true love who will love Roshni but not for Roshni Kapoor, superstar. Sorry. Are you okay? Yeah,
I'm fine. I'm sorry. Coffee? No. Orange juice? No. कुछ खाना जैसे noodles? No. क्या आप हर चीज के लिए नो बोलती हैं? नहीं, मुझे लगता है अब शायद मुझे चलना चाहिए। Thanks for your help. Oh, you're welcome. Okay. Nice to meet you. Same here. Okay. Bye. I have to go. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. Thank you. लकी, दरवाजा खोलना यार। ओफो, लकी, दरवाजा खोलना यार। लगता है डेट पे जो गया अभी तक आया ही नहीं। हाय। हाय। कल मैं अपना बैग भूल गई थी। प्लीज कम इन। ओके। Your bag. Okay, thank you. Yeah. अब मैं चलती हूँ. You're welcome. See you. Bye. Bye. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Of course. You know what? You are really darling. Have a breakfast. हैं? ये कौन है? चल जल्दी आ जा यार, ब्रेकफास्ट करते हैं। I think अब मुझे चलना चाहिए। ओके। Shh.
समझे इश्क है राजा और इश्क है रानी इश्क बिना सबकी दुनिया बेगानी दिल के अरमा पूरे कर ले आज अब मस्ती कर ले इश्क 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 तो कोई ना बचिया इश्क ने हमें भी रंगिया रोशनी जी पता चला है कि आपने अपनी अगली आने वाली फिल्म वॉटर में कई बोल सीन दिए हैं जिसकी वजह से फिल्म काफी चर्चा में है। आपने तो ये सवाल ऐसे पूछा है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ये काम पहली बार किया है। मुझसे पहले भी कई एक्ट्रेसेस ने बोल सीन किए हैं। I have done as per requirement of the script. That's it. मैडम पिछले कुछ दिनों में आपको पब्लिक प्लेस में देखा गया इसकी कोई खास वजह? शूटिंग के बाद मैं अपनी लाइफ एक साधारण लड़की की तरह जीने में विश्वास रखती हूँ। रोशनी मैडम इतनी बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद बॉलीवुड के कई हीरोज ने आपको कई मैरिज प्रपोजल दिए और आपने रिफ्यूज किए। क्या आपने कभी ने शादी करने का फैसला किया है? दुनिया की हर लड़की शादी करती है और डेफिनेटली मैं भी करूँगी। बस इंतजार है तो मेरे सपनों के राजा का। कहा जाता है डलहौजी ही एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ कोई एक बार आता है तो यहीं बसने का सपना देखता है। जो सपना मेरे जीजू पंकज ने भी देखा था और उसे पूरा किया। शक्कर कितनी राजा? One spoon is enough. Thank you. Perfect. और ममता आपको? Sugar free, as usual. जीजू, I'm so proud of you. आप दीदी का ना कितना ख्याल रखते हैं। Very good. राजा मेरा ख्याल रखने के लिए तो पंकज है पर तुम्हारा ख्याल और मम्मी का ख्याल रखने के लिए कब आएगी? हाँ राजा मैं और ममता ये चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और घर बसा लो। मेरी नजर में एक बहुत खूबसूरत लड़की है मैं आज ही उससे तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। क्या दीदी जब भी मैं आता हूँ आप एक ही बात करती है मैरिज 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 अब कभी नहीं आऊंगा। विक्रम यस सर ये तुम बाद में करना पहले वो पैकिंग कर लो। ओके ठीक है सर। सर सर हाँ आपकी मम्मी का फोन आया था बहुत गुस्सा कर रही थी 7-8 दिन से आपने उन्हें फोन ही नहीं किया। ओहो और हाँ एक रोशनी मैम साहब का फोन आया था ये उनका मोबाइल नंबर आप इनको फोन कीजिए मगर अपनी मम्मी को जरूर फोन कीजिए। क्या करते रहते आप? उषा जी रोशनी कपूर के कैरियर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। पिछले 5 सालों से मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि एक दिन रोशनी एक बहुत बड़ी स्टार बने और देखो मेरा सपना पूरा हो गया। That's good. Excuse me. Hello. Hi. मैं आर्चीज गैलरी से राजा बोल रहा हूँ। आर्चीज गैलरी से राजा? कौन राजा? किसका फोन है? किसी राजा का फोन है आर्चीज गैलरी से तुमसे बात करना चाहता है। ओके हेलो हाय मैं आर्चीज गैलरी से राजा बोल रहा हूँ। हाय राजा हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स। अच्छा राजा क्या तुम मुझे आज शाम को 7 बजे जीएन गार्डन्स में मिल सकते हो? आज शाम को? यस ऑफ कोर्स मैं आता हूँ वहां पर बिल्कुल। ओके थैंक्स फॉर कॉलिंग बाय बाय। ओके बाय। रोशनी में तुम्हारे इस रोमांस के लिए तुम्हारा करियर बर्बाद होते नहीं देख सकती चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिकंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कभी ये पता नहीं चल सकता कि हम डलहौजी में हैं। लेकिन हमने सिकंदर पठान को धोखा दिया है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो हमें वो वैसे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने उसे धोखा दिया है। देख लेंगे साले सिकंदर पठान को, जब भी सामने आएगा उड़ा डालेंगे साले को। सिकंदर पठान कभी हमें ढूंढ नहीं पाएगा, उसे कभी ये पता नहीं चलेगा कि हम डलहौजी में। सिकंदर भाई हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सिकंदर भाई हमें मत मारिए। ये गुजरे 5 दिन हम दोनों को इतना करीब ले आएंगे, मुझे लगता है कहीं ये कोई सपना तो नहीं। राजा ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है ना, कि कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और आज बाहों में बाहें डाले मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। काश ये कभी ना टूटने वाला एक सपना हो। ऑफ कोर्स। अरे बातों बातों में हम कहाँ तक आ गए। रोशनी एक सेकंड, आगे मत जाना। क्यों, देखो ना राजा कितनी खूबसूरत जगह है। कभी ये लवर्स पॉइंट हुआ करता था। पर ये इतना वीराना क्यों है? क्योंकि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बहुत साल पहले सब प्यार करने वाले यहाँ जरूर आते थे। ग्रेट, तो हमें भी चलना चाहिए ना। ओ नो नो नो, रोशनी मेरी बात सुनो प्लीज। कम ना, कम कम। ओ नो, आओ ना। वाओ राजा, मुझे तो यहाँ की हवा में भी प्यार का एहसास हो रहा है। राजा इधर आओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। Anna and John here for hours in each other's arms, melting their souls like sugar and ice. वो देखो राजा वहाँ पर क्या लिखा है। Anna Castellino and John Duncan were born on different side of Earth. But God called them together to do a short work for humanity. Here in this house, they meet each other for the first time and forever. They fall in love. They love each other. They love everyone. They are the most loving couple on earth. While with each other, they did not need the light of the sun or the moon. Love shines over souls by thousands of suns. This is what their definition of love. What destiny never be the same. It is sweet and sour. For them too. Anna got cancer. At the age of 22 years, on 19 Jan 1927. The death angel visited their home and she departed of this life. But John, who was a true lover and a devoted husband. Who can't even think about living a breath without her. Committed suicide. That same moment she dies. We believe that they will be back on earth. One day. Somewhere. Oh God, we are waiting. राजा हमारा प्यार भी ऐसा ही होगा ना। हम भी इनकी तरह साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बिखर जाने दे अपनी ज़ुल्फों को तू, हाले से सुन ले इस दिल की धड़कन को तू, अरे बाहों में भर ले इस प्यार के सागर को, ओ, 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 बाहों में भर ले इस प्यार के सागर को, अरे 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 पलकों में बसा ले अपने मेरे भावों को तू, रंग दे इन लम्हों मेरे अपने होठों से तू, प्यार तेरा है सब कुछ मेरा इस दुनिया में साजन, प्यार तेरा है सब कुछ मेरा इस दुनिया में साजन, ला ला ला
खुशबू जैसे बसे महके है तेरा बदन, हाले से जब तुझको छूती पवन होती है दिल में चुभन। फूलों में खुशबू जैसे बसे महके है तेरा बदन, हाले से जब तुझको छूती पवन होती है दिल में चुभन। ओ चाहत के आंगन में कलियां खिला दे है बस यही आरज़ू। ममता, ये कमबख्त इश्क भी बड़ी कमाल की चीज है, कब किसे दीवाना बना दे पता ही नहीं चलता। अब अपने भाई राजा को ही देख लो, क्यों? ममता, हाँ? ये तो सरप्राइज हो गया। क्या? आज तुम्हारा भाई पहली बार किसी लड़की को हम लोगों से मिलवाने ला रहा है, ये संभव कैसे हो गया? हाँ, कभी कभी असंभव बातें भी संभव हो जाती है। हाँ, लेकिन अचानक इतना रोमांटिक कैसे हो गया? क्यों बेला की, तुम्हें तो पता ही होगा, क्या माजरा है? बस जीजू, पता चलते ही सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। सब सच सच बताना, छुपाना नहीं मुझसे, साला है वो मेरा। हाय जीजू, हाउ आर यू? फाइन जीजू, ये रोशनी है और ये हाय रोशनी। एक मिनट, मेरा चिकन जल जाएगा, जस्ट अ मिनट। कम इन कम इन। हाय दीदी। हाय राजा, हाउ आर यू? फाइन। वाओ दीदी, ये रोशनी है। हाय। हेलो। और ये लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। पता नहीं कहाँ। मेरा रूम पार्टनर लकी। लकी, इनसे तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ। हाय। हाय। मुझे भी लगता है शायद हम पहले मिल चुके हैं। जीजू, ये है रोशनी। हाय रोशनी। हाय रोशनी। रोशनी कपूर। एक मिनट, देखता हूँ कौन है। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, अंदर आके देखो कौन आया। ओह माय गॉड, जूही, ये है रोशनी, शी इज जूही। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने रोशनी कपूर खड़ी है, वो फिल्म एक्टर रोशनी कपूर। आई कांट बिलीव इट। रोशनी कपूर? रोशनी कपूर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे भी बहुत खुशी होगी। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच, आई एम सो लकी। हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर जूलिया। Happy birthday to you. Come on. Shayad Manoj. Bhook lagi hai na? Dekha. This gift for you. Hi Pankaj. कैसा मनोज, कहाँ रह गया था यार? अरे यार, आई एम सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। ओके। मैंने आपकी फिल्म आनंद देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी वो फिल्म देखी। हैप्पी बर्थडे जूही, ये लो तुम्हारा प्रेजेंट। थैंक यू अंकल। ओहो, केक कट गया। हाय मनोज। हाय राजा। देखा, हाउ आर यू भाभी? मनोज, लकी, बाय द वे, रोशनी, हियर इज माय फ्रेंड मनोज। ओ हाय रोशनी, शी इज रोशनी। हेलो। हाय, जो तुमने उस दिन किया ना, उस दिन के लिए। अरे क्या बातें हो रही हैं, आओ चलो एक एक ड्रिंक हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ड्रिंक के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार हूँ।
Cheers. रोशनी जी ये लीजिए ड्रिंक. I don't drink. Okay. By the way, मिस रोशनी क्या करती हैं आप? I am an actress. Oh, स्टेज पे काम करती हैं? जी नहीं, मैं फिल्मों में काम करती हूँ. फिल्मों में काम करती? जी. फिल्मों में कितना मिल जाता है? मेरा मतलब आपने जो पिछली फिल्म की थी उसमें कितना पैसा मिल गया था? यही कुछ 5 करोड़ रुपए. गुड. क्या चिकन बनाया जीजू ने, वाह कमाल का. बहुत भूख लगी ना लाला. ये ले चिकन था. ये ले यार. रोशनी तुम्हें चिकन फ्राई कैसा लगा? नो आई एम प्योर वेजिटेरियन. ओह माय गॉड, इसका मतलब आपने कुछ नहीं खाया? ये सब लोग इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि ये फिल्म एक्ट्रेस रोशनी कपूर से मिले हैं, इसलिए शायद यू नो खुशी से पागल हो गए हैं. अच्छा, मुझे भी इन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई. लेकिन तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फिल्म एक्ट्रेस रोशनी कपूर हो? राजा, एक्चुअली मैं तुमसे एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह प्यार करना चाहती थी, एक फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं. आई लव यू राजा. Raja, I want to get married to you. Yeah.
हाँ सर, मैं हेल्प यू। यस सर। सर आपके पास वो 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 है? वो क्या सर? वो कुछ समझ में नहीं है सर। गर्लफ्रेंड को लेके घूमने जाते हैं और वो जो साथ में रखते हैं ना वो। नहीं सॉरी, कामसूत्र। कामसूत्र? कंडोम। सर हाँ, ये एक गिफ्ट शॉप है। तो कोई बात नहीं, गिफ्ट बना के दे दो। गिफ्ट में भी तो कंडोम ही होगा ना सर? वही तो मुझे चाहिए ना सर। ये गिफ्ट शॉप है, कार्ड्स चॉकलेट्स यू सी। नहीं सर, आप जेब देखिए, क्या जेब में पड़ा होगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? डेविड, देव योर कस्टमर। अच्छा आइए आइए, आप ही का इंतजार था सर। आपके पास वो है? वो क्या? कंडोम। कंडोम? कंडोम? हाँ। आपको कैसे पता मेरे पास कंडोम है? आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, होना ही चाहिए। मगर मेरे पास एक है सर। एक से मेरा क्या होगा? एक मतलब एक पैकेट, उसमें तीन होते हैं। ओह फिर तो हम दोनों का हो जाएगा। आइए मेरे साथ चलिए। हाय पंकज, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम क्या चाहते हो, बेटा या बेटी? ममता, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बेटी चाहिए। क्या बात है ममता, तुम आज बहुत उदास लग रही हो। पंकज, मैं कभी इस दुख से बाहर नहीं आ सकती कि तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते। ममता, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, लेकिन हमें इस कमी के एहसास से दूर होना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। I love you, Mamta. I love you so much. जब से ममता दीदी तुमसे मिली है, हर वक्त तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती हैं और वो चाहती हैं कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ममता दीदी अच्छी लगी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो व्हीलचेयर पे है। हाँ, वो 6 महीने पहले ममता दीदी प्रेग्नेंट थी और तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने इतना सारा दुख अपने दिल में दबाकर रखा है, उसके बावजूद भी वो कितनी खुश रहती हैं। शायद उन्होंने हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है। राजा, तुम सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसे मैं कभी नहीं भुला सकती। एक ही पल में तुम सब मुझे अपने लगने लगे और तुम सब लोगों में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, जिस तरह से तुम एक दूसरे की खुशियां दुख दर्द बांटते हो, सच राजा मुझे हमेशा से ऐसे ही प्यार की तलाश थी। क्या हुआ, रो क्यों गए राजा? शायद मुझे ऊपर नहीं आना चाहिए। तुम मेरे स्वीट में आना चाहोगे? नहीं। क्या तुम ऊपर नहीं आना चाहोगे? ठीक है, आता हूं। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। Mm-hmm.
हाय राजा। हाय। शायद मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। अब एक्चुअली अंदर रूम में कोई है। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रूम सर्विस। I had made a call for room service. Okay. Excuse me. हाँ बोलो। It's nice of you to come at the right time. Why are you not in your uniform? Usually we do, ma'am, but I was just going home and this was the last call. Very good. Can you arrange for me a bottle of rum? Of course, ma'am. Anything else? No. Do it quickly. एक मिनट। ये प्लेट्स और डस्टबिन क्लियर कर दो। ओके सर। सिकंदर, इसे जाने दीजिए ना। हम किसी और से बोल देते हैं। Nice guy. What's your name? David. Keep it. एक मिनट। हाँ बोलो जॉन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब मुझे चलना चाहिए। ये भी एक अजीब सी सच्चाई है। अब I'm sorry राजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने कम दिनों में जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक्स, बाय। हे रोशनी, दे दिया ना झटका यूं अचानक आके। कैसा लगा मेरा यूं आना? I miss you so much. I love you. Sikandar, you're mine, only mine. To get your love, I'm ready to kill anyone. And if need be, I'll even kill myself for you. प्यार में तूने ये क्या किया? प्यार में तूने ये क्या किया? धोखा क्यों मुझको दिया? माँ बाप की लापरवाही की वजह से मैं आज जपूंगा। अगर मैंने वक्त पे पोलियो की दवा ली होती तो मैं आज अपने देश का भविष्य अच्छा करने के लिए आप लोगों के साथ साथ चल रहा होता। हाय राजा। Thank you.
दिया झटका यूं अचानक आके? How do I tell you, Sikandar, how much I love you? I miss you so much. Life without you is meaningless, Sikandar. I can do anything to get you. Even if it means killing Roshni. Diana, what are you doing here? I wanna kill you. But why, Diana? Because Sikandar loves you. But I don't. No, I can't kill Roshni. If I can't make Sikandar mine, it's all right. At least I can give him some happiness. And maybe in his happiness lies my happiness too. David? नहीं David? इस वक्त मेरे पास है. चलना. अरे, कहाँ गया David? अगर फिल्मों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी तो कम से कम आप लोगों को तो है. एटलीस्ट आप लोग तो मुझे अलर्ट कर सकते थे. देखो आज का न्यूज़पेपर क्या लिखा है इसमें. एक लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी फैमिली में आती है और सारे फैमिली मेंबर्स के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन उस लड़की की जिंदगी में पहले से एक बॉयफ्रेंड है. वाह. जब उसकी जिंदगी में पहले से एक बॉयफ्रेंड था तो उसको तुम्हारे साथ इश्क का ये नाटक करने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं जिस आदमी को आप उसका बॉयफ्रेंड कह रहे हैं वो कौन है? सिकंदर पठान, वो अंडरवर्ल्ड डॉन. ये वही आदमी है जिसने उस दिन मेरे सामने होटल में 3 लोगों को मारा. लेकिन राजा, मैंने हमेशा रोशनी की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार ही देखा है. लेकिन तुम्हें ये सच्चाई भी कबूल करनी पड़ेगी कि रोशनी की जिंदगी में जब तक सिकंदर पठान है, रोशनी को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है. राजा भैया, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पहली बार आपने प्यार किया और उसमें भी आपको धोखा मिला. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कि मैंने कोई फिल्म मैगजीन नहीं पढ़ी. काश मैंने कोई फिल्म मैगजीन पढ़ी होती तो ये सब नहीं होता. Hi. Oh, wow. Roshni, how are you? Fine. मुझे इस बात की खुशी है रोशनी कि तुमने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी. देखो ना, हर मैगजीन में तुम्हारे बारे में लिखा है. He always remembers you, time and again. You should be happy. He loves you so much. Diana, मुझे असली खुशी तब होगी जब सिकंदर ये जुर्म की दुनिया छोड़ देगा. मेरी बात मानो सिकंदर, अब तुम्हें अपने बारे में और जो तुम्हारे सामने जिंदगी है उसके बारे में सोचना चाहिए. अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? यस यस, कम इन. डायना, प्लीज हरी अप. मैं रोशनी को उसके बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहता हूं. बट वेयर इज रोशनी? हाँ, फोन करता हूं. आ,
फोन नहीं उठा रही है, लगता है कहीं शूटिंग में बिजी होगी। हे, तुम लकी ही हो ना? अरे भागो भागो भागो। हाय। जस्ट चेकिंग। थैंक्स गॉड, मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया। It's 11. She still hasn't come. अबे वो भंडार करके बच्चे, तुझे मैंने कहा था ना कि आज रोशनी को जल्दी छोड़ना, तुझे मालूम है ना मैं वेट कर रहा हूँ आज। लेकिन भाई, आपके कहने के मुताबिक तो मैंने आज 4 घंटे पहले ही पैकअप कर दिया था। क्या? 4 घंटे? ठीक। Don't worry, I'll fix a drink for you. ये है मेरा बेडरूम, तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो। और तुम? मैं नीचे हॉल में सो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। हेलो। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्ट चेकिंग यार, कि तुम दोनों कुछ कर तो नहीं Lucky, रहे। प्लीज गो। ओके, जाता हूँ, गुड नाइट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तुझे पसंद नहीं है तो क्या मैं उसके साथ? लकी, ये क्या बकवास है? हम सुबह बात करेंगे, प्लीज गो। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई। लकी, लेकिन फिर भी अगर तू कहता है तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं आता। फॉर गॉड सेक लकी, तुम जाओ यहां से। अच्छा तो मैं जाती हूं। तुम? मैंने सोचा लकी है। Sikandar, it's not fair. If she was not coming, she should have at least informed you. रोशनी को अच्छी तरह से पता है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो आएगी। वो जरूर आएगी। Do you know, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की को
न्यूट देखा। राजा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। दुनिया का हर लड़का रियली बैड और जबकि हर इंसान अपनी माँ का दूध पीकर ही बड़ा होता है। कितनी अजीब बात है ना। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। I love you, Roshni. I don't think she loves you, otherwise she would have had at least come. Maybe she's celebrating her birthday somewhere else. Good morning, darling. Good morning. Raja? मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ दिन और रहूं। तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो। देख के आता हूँ कौन है। तब तक मैं चेंज करती हूँ। Oh my God. क्या हुआ? कुछ खास नहीं। कुछ तो खास जरूर है। कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? जरूर गर्लफ्रेंड ही है। Oh, no. देखती हूँ। ओ रोशनी प्लीज दरवाजा मत खोल। ओ नो, ओ माय गॉड। प्रेस वालों ने तो मेरी इस हाल में फोटो खींच ली है। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं रोशनी? पता नहीं आगे क्या होगा। लकी तुम प्लीज दरवाजा मत खोलना, मैं रोशनी से बात कर कहता हूँ, समझे? हैं? दरवाजा नहीं खोलूं? जरूर बाहर कुछ खास बात है। मैं ऐसे मौके बार बार नहीं खोल सकता, देखता हूँ। अरे 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 वाह, मेरी बॉडी तो वैसे सलमान खान से भी ज्यादा अच्छी है। वैसे नाम से तो हूँ लकी, पर हूँ अनलकी। वेल नो प्रॉब्लम। रोशनी, रोशनी दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन मुझे सब मालूम है कि क्या हो रहा है। वो बंदर जैसा तुम्हारा जो दोस्त है ना,
उसने पैसों की लालच में आकर पूरी प्रेस को यहाँ पर बुलाया है, मैं सब जानती हूँ। रोशनी तुम गलत समझ रही हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है कल प्रेस वालों को सपना आया होगा ना कि रोशनी कपूर इस लाल डोर वाले घर में रह रही है, और सुबह सुबह उठकर सैकड़ों फैंस और मीडिया वाले यहाँ पर आ गए हैं। अब तुम्हारी और मेरी तस्वीरें कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छप जाएंगी, और वहाँ होटल में बैठे सिकंदर पठान तक ये न्यूज पहुँच जाएगी। रोशनी शांत हो जाओ, रोशनी जस्ट काम डाउन। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सुनहरा अवसर है ना, बिना कुछ किए ही वर्ल्ड फेमस हो जाओगे और क्या। रोशनी रोशनी प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। रोशनी प्लीज, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, हकीकत है। यही प्रेस वाले कल हमारी इन तस्वीरों को घटिया रिश्ते का नाम देते हुए फ्रंट पेज पर छापेंगे, और यही पेपर कल तुम्हें कचरे के डब्बे में मिलेगा। रोशनी, यही फर्क है तुम में और मुझ में। सुपरस्टार रोशनी कपूर दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। रोशनी, बदनामी का डर होना तो दुनिया में कोई किसी से प्यार न करे। बदनामी का डर उसे होता है जिसका कोई नाम हो, जिसे दुनिया जानती तक नहीं उसे बदनामी का क्या डर। मुझे खुशी है तुम यहाँ रहने आई, लेकिन शायद मैं ही भूल गया कि मैं सुपरस्टार रोशनी कपूर से प्यार करता हूँ, और इस फर्क को शायद मैं समझ ही नहीं पाया। यू आर राइट, शायद तुमसे। अमेरिका से यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ मुझे दो। सिकंदर, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मैं कल अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती थी, मगर यश जी के साथ अर्जेंट मीटिंग फिक्स हो गई। वो मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। आई एम वेरी सॉरी। राजा, मुझे माफ कर दे यार, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। शायद कल रात बियर बार में शराब के नशे में मैंने अपने दोस्तों को रोशनी और तुम्हारे बारे में सब बता दिया यार। आई एम सॉरी यार, प्लीज। आई नो इट वॉज माई मिस्टेक। तुझे क्या लगता है, तेरी इस गलती को माफ करने से रोशनी वापस आ जाएगी? हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, अब रोशनी हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। क्या करूं यार, नाम तो लकी है पर हूं अनलकी। मौसम आए मौसम जाए, दिल को तेरी याद सताए, दर्द का सूरज चढ़ता जाए, पल हर पल
खुशियां है। ओ वक्त ने ऐसा धोखा दिया है, पूछो न कैसे हमने जिया है। जख्म उभरते जाए पल पल, दर्द से हमने इनको सिया है। हंस के दिल सब सहता जाए, पल हर पल गम बढ़ता जाए, पल हर पल गम बढ़ता जाए। चाहे ओ जीवन का ये ऐसा सफर है, चलना ही होगा दिल चाहे न चाहे। क्या हुआ है दिल क्यों टूटा है, मिलती नहीं सबको प्यार की बाहें। वक्त लहर सा बहता जाए, पल हर पल गम बढ़ता जाए। What is this? It's good that Sikandar is not in India. Otherwise, I don't know what he would do. Why did you do this? You know Sikandar loves you. Why? Dinah, it's nothing like that. I just went to meet his sister, who is my friend. But the press is unnecessarily making it show. I don't know all of this. And I don't care. I just know that Sikandar is mad about you. And he would not like all of this if he would see it. I hope you realize that you only belong to Sikandar. And Sikandar can do anything for you. Anything. You know what you have to do. I hope you know what I mean. Raja. 6 महीने बीत चुके हैं, अब तो रोशनी कपूर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा, तुम्हें फिल्म एक्ट्रेस के बारे में नहीं पता। आज उनका रोमांस किसी और से है तो कल किसी और से होता है। मेरी बात मानो राजा, उसे भूल जाओ और तुम शादी कर लो। राजा, हम लोग तुम्हारी लाइफ को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। कब तक उसके प्यार में पागल बने रहोगे? ये मेरी लाइफ का सवाल है, ये प्यार है, कोई खेल नहीं। क्या तुम लोग मुझे कुछ और समय नहीं दे सकते सही फैसला करने के लिए? राजा भैया, राजा, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाई हूँ कि जिसे सुनते ही तुम मुझे अपने गले से लगा लोगे।
ऐसी क्या खबर है? तुम जानते हो, रोशनी कपूर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आ रही है और मैं तुम्हारे लिए उनका फोन नंबर लेकर आई हूँ। ये लो। तुम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो ना, अब तुम उनसे जी भर के बातें कर सकते हो। थैंक यू। इट्स ओके, कम लकी। और हाँ, कल मुझे जरूर बताना कि रोशनी कपूर से क्या बात हुई। अब रोशनी को देख लो, आज तक उसकी सारी फिल्में सुपरहिट। Excuse me? Yes? मुझे रोशनी कपूर जी से मिलना है। ओहो, आप यही ठहरिए, मैं पूछ के आता हूँ। Excuse me, मैडम, वो सब रोशनी मैडम से मिलना चाहते हैं। Excuse me? जी कहिए। मुझे रोशनी कपूर जी से मिलना है। कहीं तुम्हारा नाम राजा तो नहीं? जी मैं ही राजा हूँ। इन दैट केस तुम रोशनी से नहीं मिल सकते। ओके, थैंक्स। लीजिए, आ गई आपके रोशनी जी, मिल लीजिए इनसे गले। हाय, कैसे हो राजा? ठीक हूँ। मुझे पता चला कि तुम यहाँ इसीलिए। ओ सॉरी,
हैप्पी बर्थडे। आई एम हैप्पी दैट यू रिमेम्बर माय बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका शॉट रेडी है। राजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कैन यू वेट फॉर मी? या ऑफ कोर्स। ओके, आई एम कमिंग। इधर आप क्या करेंगे अकेले? आइए मेरे साथ में। उषा, इस लड़के का रोशनी से मिलना ठीक नहीं, उसके इमेज पर गलत फर्क पड़ेगा। प्लीज शशि, मुझे एडवाइस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब आगे मुझे क्या करना है? लाइफ हो तो इस राजा जैसी। हेलो। हाय। ये हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट है मिस्टर चौरसिया। हेलो। जब तक रोशनी जी फ्री होती है, हाँ, तब तक आप इनके पास बैठकर डायलॉग सुनिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। क्या किस्मत है इसकी। आइए बैठिए, ये लीजिए हेडफोन और कान में लगाकर डायलॉग सुनिए। थैंक यू। मेरा तो इस शहर ने और शहर के लोगों ने मन ही मोह लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने मन ही नहीं, दिल भी मोह लिया है। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए इस शहर में बस जाऊं। एक बात बताओ, क्या ये वही लड़का है जिसकी फोटोग्राफ्स को लेकर न्यूज़पेपर में काफी हंगामा हो गया था पिछली बार? ये लड़का वही है। एक्चुअली इसके और मेरे बीच में कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं। प्रेस वालों ने तो वैसे ही एक हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हारे और इसके बीच में जरूर कोई चक्कर है, इसलिए मैंने ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी। शायद तुमने ठीक कहा रोशनी। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? आप खुद जाके देख लीजिए। ठीक है। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। कल तुम मुझसे बिना मिले ही चले आए। हाँ, वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। सर, आज मैं लेने नहीं वो देने आया था। जस्ट गो। ठीक है, चला जाता हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तो सोचा तो मैं फोन करूं, पर मैंने जो तुम्हारे साथ दो बार बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। आज मैं वापस जा रही हूँ। अगर नहीं गई तो क्या मैं तुमसे फिर से मिल सकती हूँ? एक्चुअली इससे भी कहीं ज़्यादा, ये देखने के लिए कि क्या मैं तुम्हें फिर से पसंद आऊँगी। जब उस एक्ट्रेस ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो तुमने साफ इनकार कर दिया। यू सेड नो, और ये मैंने अपने कानों से सुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन था। राजा, तुम क्या चाहते हो, मैं किसी फालतू आदमी से हमारे प्यार के बारे में डिस्कस करूं? देखो रोशनी, मैं एक बहुत ही सिंपल आदमी हूं और मैं इस प्यार के खेल को बार बार नहीं खेल सकता। आई जस्ट कांट डील विद इट। हम दोनों में तो बहुत फर्क है रोशनी, तुम्हें तो सारी दुनिया जानती है और मुझे कोई नहीं। यहां तक कि मेरी माँ भी कभी कभी मेरा नाम भूल जाती है। तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़के के सामने खड़े होकर कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
जब वक्त की आधी गाने लगते सभी कोई बताए कि बदला ये मौसम अनजाने दिखते सभी सोनी डगर है सोनी है गलियां किसका है अब इंतजार ला 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 रोशनी कपूर दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। रोशनी, बदनामी का डर होना तो दुनिया में कोई किसी से प्यार न करे। बदनामी का डर उसे होता है जिसका कोई नाम हो, जिसे दुनिया जानती तक नहीं, उसे बदनामी का क्या डर? मुझे खुशी है तुम यहाँ रहने आई, लेकिन शायद मैं ही भूल गया कि मैं सुपरस्टार रोशनी कपूर से प्यार करता हूँ। ये लड़का वही है। एक्चुअली इसके और मेरे बीच में कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं, प्रेस वालों ने तो वैसे ही एक हंगामा खड़ा कर दिया। I'm sorry, Sikandar. I hid all of this from you. I knew you would react like this. That's why I didn't tell you. आज तुझे जान से मारने नहीं आया हूं, सिर्फ एक बात समझाने आया हूं कि आज के बाद कभी रोशनी को मिलने की कोशिश भी मत करना। उसके लिए चाहे तुझे शहर छोड़ना पड़े, ये देश छोड़ना पड़े या ये दुनिया, लेकिन दोबारा तुझसे रोशनी नहीं मिलनी चाहिए, समझे? Look, you do not know how brutally you can be killed if Sikandar,
just gives a hint. Even your body would not be traced by your poor family members. If you want to stay alive, just leave the city and forget Roshni forever. राजा, तुम्हें क्या जरूरत थी रोशनी नाम की आग से दोबारा खेलने की? अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को आग में जला डालोगे? राजा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रोशनी से तुम्हें दूर रहना चाहिए। आज तो सिकंदर पठान ने खुले आम तुम पे हाथ उठाया है, कल तो वो हमारे घर तक भी आ सकता है। राजा भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब किस रोमांस के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में आ गई है। हाँ राजा, अगर तुम्हें अपनी फैमिली से जरा भी प्यार है तो ये शहर छोड़कर माँ के पास चले जाओ। हाय, मुझे लगता है शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई मुसीबत आए, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के माँ के पास चला जाता हूँ। चला जाएगा तू? कहाँ चला जाएगा तू? मेरा दोस्त इतना बुजदिल होगा कि वह सिकंदर पठान की धमकियों से डर कर शहर छोड़कर चला जाएगा? मैंने सोचा भी नहीं था। तू क्या चाहता है, मैं रोशनी से शादी कर लूँ हाँ, और अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल दूँ? अरे तू मर्द होकर सिकंदर पठान से डर रहा है? तुझसे अच्छी तो रोशनी है जो लड़की होकर भी आर्चिस गैलरी तक चली आई तेरी। राजा, सच्चा प्यार करने वाले दुनिया की परवाह नहीं करते। अगर ये तेरा परिवार है तो रोशनी भी इस परिवार का एक हिस्सा है। क्या तू रोशनी के साथ प्यार भरे दिनों को भुला सकता है? नहीं, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। जब राजा और रोशनी एक दूसरे को इतना चाहते हैं और रोशनी इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है, ये सब जानते हुए भी आप इन्हें अलग कैसे देख सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब भी अपने परिवार के खातिर अपने प्यार की बलि देने को तैयार है तो क्या आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता कि इस मुसीबत की घड़ी में इन दोनों का साथ दें? ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि हमने डिसीजन गलत ले लिया। सो टेक राइट डिसीजन। तो अब देर किस बात की है? लेट्स गो। चलो जल्दी करो। हरी अप, कम ऑन, फास्टर। चलो। राजा कहाँ जाना है? ओब्रॉयस, वो हमेशा वहीं ठहरती है। ओके, लेट्स गो। अरे ममता कहाँ है? वो नहीं आ रही है। नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो सकता? ममता ने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं उसके बिना चला जाऊंगा? ममता चलो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूं? अब मेरी लाइफ आपके हाथ में है और रोशनी से मैं ही तुम्हें मिलवाऊंगा, समझे? चलिए जीजू, ऐसे कैसे चला रहे हैं, जल्दी करिए। राजा, पहाड़ों पे गाड़ी चलाना बच्चों का काम नहीं है। चलिए जीजू, जल्दी। जीजू क्या कर रहे हो आप? रोशनी कहीं निकलना चाहे, चलिए। हे भगवान, रोशनी मिल जाए प्लीज। आगे गाड़ी आ रही है। पहुंच गए हो? चलो, कम ऑन, हरी अप, जल्दी, क्विक, कम ऑन, फास्ट। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। हमें मिस रोशनी कपूर से मिलना है। लेकिन सर, वो तो 2 घंटे पहले यहाँ से जा चुकी हैं। व्हाट? है
लकी बहुत देर हो गई। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। दिल्ली के ताज होटल में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसके बाद वो अमेरिका चले जाएंगे। सर अब जल्दी कीजिए, कहीं आप फिर से लेट ना हो जाए। ओए थैंक यू सो मच। अरे अरे मैं भी चेक करूं भाई। क्या हुआ राजा? रोशनी दिल्ली में है, चाबी मुझे दीजिए, मैं दिल्ली जाऊंगा। हाँ, क्या गाड़ी दीजिए। हाय सिकंदर, अभी मैं ऑन द वे हूँ। जल्दी ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके मैं तुम्हारे पास एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी। रोशनी तुम्हें मालूम नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। रोशनी तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, मुझे सब कुछ मिल गया। सिकंदर आज से तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है। ड्राइवर जरा लवर्स पॉइंट पर एक मिनट के लिए गाड़ी रोकना। बस आ ही रही हूँ सिकंदर। पर तुम कहाँ पर हो? मैं इस वक्त लवर्स पॉइंट पर हूँ। लवर्स पॉइंट? राजा मुझे पता था राजा कि तुम मुझसे मिलने लवर्स पॉइंट पर जरूर आओगे। राजा राजा कहाँ हो तुम? राजा रोशनी मैं इधर हूँ। राजा प्लीज राजा मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलो। राजा वेयर आर यू? राजा अरे ये तो रोशनी कपूर की कार है, शायद लवर्स पॉइंट पे आई होगी। राजा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है राजा, उसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं तुम्हारे बिना जी ना पाऊं। आई ट्रूली लव यू राजा, आई लव यू राजा, आई लव यू टू। What are you doing? Are you going to kill this man? Have you gone mad? Naina, you keep out of this. आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सिकंदर, तुम राजा की जान नहीं ले सकते। राजा की जान लेने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। सिकंदर,
मुझे मारकर अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे मार दो, लेकिन मुझे मारकर क्या तुम रोशनी के दिल से मेरा प्यार मिटा पाओगे? अगर हाँ, शूट मी, किल मी। Sikandar, if one can get love by killing somebody, then I would already have killed Roshni. Yeah, I do. I've done always everything to get your love, whether it was good or bad. ये जानते हुए कि मैं रोशनी से प्यार करता था, करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे एहसानों को कभी नहीं भुला सकती सिकंदर। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है वो एक देवता ही कर सकता है, और मैं इस देवता की हमेशा पूजा करती रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रोशनी। और मैं राजा के बिना नहीं जी सकती सिकंदर। अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, तो फिर जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है। Sikandar, why are you crying? Naina, life में शायद पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया है। राजा। सिकंदर के सैक्रिफाइस ने उसे विलन से हीरो बना दिया और मुझे हीरो से रोशनी कपूर का हस्बैंड। कहा जाता है कि इंसान जिसे सच्चे दिल से प्यार करता है उसे कभी नहीं भुला सकता, मगर सिकंदर रोशनी के अलावा एक चीज और हमेशा याद रखेगा, वो है सामने वाला रेड डोर हाउस। Thank you.
रोशनी प्लीज देखो ना कौन है बाहर। डार्लिंग मैं नहा रही हूँ, तुम खुद ही देख लो ना प्लीज। ओफो, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। हाय, गुड मॉर्निंग एंड विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। प्लीज कम इन। शादी की खुशी में शायद आप मुझे बुलाना भूल गए, लेकिन मेरा आना जरूरी था। ओके बाय। रोशनी मैं तेरी रोशनी।